नमस्ते दोस्तों। आज तक आपने बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियो देखेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते कैसे। सबसे पहले आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ लगती है, वो है बॉक्स। बॉक्स मतलब ऐसा नहीं कि आम की पेटी लेके आ गए, इसे फोन का बॉक्स होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा खास है वो है कि नाखून कटे रहने चाहिए। तो पहली शुरुआत करेंगे नाखून कटने से। देखो लग रहे हैं ना राजा बेटे के नाखून। अब अपन बॉक्स पे आते हैं, तो इसको अपन करेंगे सिलेक्ट। तो ये देखो यहाँ पे चाकू रखा हुआ है। अब क्योंकि नाखून कट गए हैं तो खोलने में थोड़ी तकलीफ आएगी, तो ये ना टेक्निकल हैज़र्ड रहते हैं दुनिया में। ये है अनबॉक्सिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। मतलब देखो मैं नहीं कह रहा कि मैं छोटा बच्चा हूँ, पर मज़ा तो किसी भी उम्र में आ सकता नहीं इंसान। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है डिराउंड। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि तुम खींच के निकालोगे। वन प्लस वन कहना है कि हम खुद ही करेंगे, तुम मत करो, बस पकड़ के खड़े हो जाओ जैसे लाइफ हैज़ टू हैपन। ठीक है, ये देखो खुद ही गिरे गए। ओए, तो ये आता है वीडियो का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, क्योंकि क्या है कि पहली बार तुम प्रोडक्ट का मुखड़ा देखोगे। और अच्छा अनबॉक्सिंग वीडियो वो होता है जिसके अंदर इंसान प्रोडक्ट को देख के बावला ही हो जाए, मतलब कूदे छतों से, मतलब ज़मीनों में घुस जाए, पानी मुंह में भर ले और कुल्ला करे लोगों के ऊपर। ऐसा ऐसा लेवल का एक्साइटमेंट आपको दिखानी पड़ेगा। जैसे ये करेंगे अपन करेंगे ओ हो हो ये तो कितना कमाल का है, ऐसे करना है, ऐसे ही कहना अपने को। तो अब अपन करेंगे पॉप। ठीक है, ये हुआ। जैसे ही ऐसे फ़ोन हाथ में लेना तो ऐसे उसकी तारीफ़ करने का, जैसे ये तो अच्छा फ़ोन है, जैसे ये एकदम इसका डिज़ाइन स्लीक है, बहुत इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है इसका और काफ़ी स्मूथ लग रहा है हैंडलिंग में, बहुत टच इसका काफ़ी क्लीन है। जैसे इसका तो है भी, और इस जो फ़ोन अपने को मिला है इसका नाम है मिरर ब्लैक। ये हटाया बक्स से और ये किया अपन ने फोन ऑन, ऑन हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है ये, किसी ने पेंटिंग बनाई थी फिर किसी ने उस पर पानी डाल दिया, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। क्या देखोगे ऐसे खोलोगे तो बहुत तेज़ है। टेक्निकल बात करना है, ऐसा लगो लगे कि बहुत नॉलेज है इसको। जैसे इसके अंदर स्नैपड्रैगन 845 है, तो स्नैपड्रैगन 845 इसका नंबर रहता है, और ये दुनिया का सबसे फास्ट प्रोसेसर है। मतलब इससे फास्ट वाला यूज़ करना चाहते थे पर है ही नहीं, तो दुनिया का सबसे फास्ट प्रोसेसर है। और इसके अंदर 8GB रैम इन्होंने डाल दी है, मतलब उससे बहुत ऐसे खुद ही चल रही है। मतलब ऐसे फ़ोन लगाने के लिए तुमने दबाया तो ये देखो 99 तुम दबाओगे, 111 ही खुद दबाओ, बताओ। अब ऐसी बातें करनी है जिसमें लोगों को लगे कि यार ये पता इसको बहुत है। अब जैसे कि मैंने अभी भी पता किया कि ये बेजल लेस है। बेजल लेस मतलब क्या था, पहले पट्टियाँ होती थी ऊपर नीचे, उन्होंने गायब कर दी। तो ऐसे कहने का कि सो स्क्रीन बेजल लेस है, अब लोग सोचते रहेंगे क्या बेजल लेस, पर तुम बोल के निकल जाओ, एक्सप्लेन मत करो कि क्या। देखो आजकल फ़ोन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है कैमरा, है ना, तो उसके बारे में बात नहीं करी तो मतलब ऐसा हो गया कि शादी में और खाना नहीं खाए। तो कैमरा खोल के खड़े हो जाओ, है ना, फिर उसके बाद ऐसे बोलो कि यार ये बहुत सही लग रहा है, ठीक है, सेल्फी खींच लो। इस फ़ोन के सेल्फी मोड में ब्यूटी मोड है, तो तुम जितने दिखते हो उससे ज़्यादा हसीन हो जाओगे। ऐसे अपन ने बढ़ा लिया ब्यूटी मोड, ये देखो ये ब्यूटी अपन ने कर दी आती ज़्यादा, फिर उसमें आएगी फ़ोटो बहुत ही लाड की। मतलब अगर कोई गुड लुकिंग इंसान होगा तो उसकी और ज़्यादा अच्छी आएगी, पर टैलेंट के हिसाब से मिलता है काम। तो मेरी फ़ोटो है देखो अभी तो, ठीक है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है ना, मतलब, और जो बैक कैमरा उसमें 2 कैमरे, इनको लगा कि नहीं अपन तो 2 लगाएंगे, तो 1 16 1 20, मतलब मेगापिक्सल में भी इनने मतलब ऐसा सब 2K डिजिट भी चल रहे वैसे तो डिवाइड करने में इजी। एक चीज़ जो हमें याद रखना है कि अपन अनबॉक्स कर रहे थे, है ना, कभी ये नहीं कि तुम बॉक्स भूल जाओ। तो अभी फ़ोन रख दो साइड में, हो गया इसका जितना होना था। तो बॉक्स में क्या क्या है, इसको अपन ऐसे निकालेंगे बाहर तो पता चलता है। तो इनने जो दिमाग लगाया वो काफ़ी तेज़ दिमाग लगाया इनने। ये देखो आप कवर ही दे दिया कि कहाँ मांगते करोगे भैया, 200 वाला नहीं, 500 वाला, 500 वाला नहीं, 600, वन प्लस का भी साइज़ नहीं है, इसका लगा लो उसका लगा लो, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने कहा हमारा ही रखो। और ये इनका वारंटी कार्ड वगैरह, फीचर वीचर, स्टिकर आस्टिकर, और हर कंपनी में पता नहीं क्यों इन्हें ऐसा आज तक लग रहा है कि लोग बैठ के ये पढ़ने वाले, ये हार नहीं मान रहे, ये खुद भी शक लौटने ही कोई पढ़ेगा इनको ऐसा लगता है। ये सब तक है ठीक है, जो भी जैसा भी, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये डैश चार्जर। ये डैश चार्जर ऐसी जादू की चीज़ है कि फ़ोन आधे घंटे में चार्ज हो जाता है। मतलब जैसे मान लो कि तुम ट्रेन से जा रहे हो, इंदौर से दिल्ली जा रहे हो,
अब नागदा स्टेशन पे डब्बा चेंज होता है और तुम्हारे फोन की बैटरी मर रही है, तो दौड़ के केले वाले के बगल में जो पावर पॉइंट है वहाँ पे लगाने का अपना चार्जर और खड़े रहने का। 25 मिनट में मात्र तेरा फोन फुल चार्ज हो जाएगा भाई। अब तुम मजेगा ट्रेन में, रात भर कर बातें, सिग्नल कटेंगे पहले ही बता रही हूँ, ठीक है? पर उसमें फोन की गलती नहीं। तो समअप करते हुए जो अपने को समझ में आया, लास्ट में समरी देते हैं अपन, क्योंकि उससे लोगों को फिर ऐसा लगता है कि यार इसको बहुत पता था। प्रोसेसर बहुत फास्ट है इसका, मतलब ऐसा है कि गेम खोल ले तो 75-80, तू ईमेल वीमेल कर ले, व्हाट्सएप चला ले, कैमरा खोल ले, मतलब फिर भी सब चलता रहेगा। मतलब कोई ऐसे नाराज नहीं हो जाएगा कि इतने लोग हैं मैं नहीं, अरे सब ऐप साथ चल रहे हैं, ठीक है? तो ये इसकी सबसे खास बात है, कैमरे बहुत बढ़िया हैं इसके, और मतलब ऐसे बेजल हटा दिए इन्होंने। और मेरे को तो भाई देख बेस्ट बात बताऊँ तो कवर दे दिया है, अब फ़ोन गिरेगा करेगा नहीं, वही अपने को बेस्ट लगा। ये सारी बातें अगर तुम कर सकते हो तो तुम हो अच्छे अनबॉक्स करने वाले। नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं।